है। तो वो जो पाकिस्तान 75 साल कश्मीर कश्मीर की कहानी बताता रहा, तो अब एट द एंड ऑफ द डे द वर्ल्ड हैज रियलाइज कि नहीं भाई, इंडिया इज अ रियलिटी। आप इंडिया को रिलीजियस फ्रेमवर्क से नहीं देख सकते। हम क्यों फिर इंडिया को रिलीजियस फ्रेमवर्क से देख रहे हैं, जबकि मुस्लिम वर्ल्ड ने भी इंडिया को जो है वो उनकी जो राइजिंग पॉलिटिकल क्लाउड, उनकी जो जो उनकी मार्केट है उसको देखना शुरू कर दिया है। डू यू थिंक ये दिस इज़ अ राइट मोमेंट टू चेंज द लेंस फॉर इंडिया एज द मुस्लिम वर्ल्ड इज चेंजिंग अ लेंस फॉर इंडिया? देखिए, एक जो ट्रेंड मुस्लिम वर्ल्ड में अंदर जो देखा जा रहा था चीमा साहब, के अपने हर कंट्री अपने इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन ले रहा था पिछले दौर में, आपने देखा होगा। यूएई के अंदर कैसे उन्होंने हाईएस्ट अवार्ड मोदी साहब को दिए, एक तो वो देखा होगा। फिर सऊदी अरेबिया का ट्रेंड चेंज होता देखा है आपने, किस तरीके से वो बॉलीवुड को और सारा कुछ उन्होंने वहां पे किया, सारा कुछ आईपीएल के अंदर उन्होंने कर रहे हैं, देख रहे हैं सारा कुछ। तो उसमें उस तनाजर से अगर देखा जाए तो उम्मा का कॉन्सेप्ट खत्म होता नजर आ रहा है, लीडरशिप ही खत्म होती नजर आ रही है। और जो उनके अंदर अपनी डिवाइड है वो देखें, सऊदी अरेबिया अलग रोल प्ले कर रहा है, टर्की तैयब अर्दगान अपना एक रोल अदा करना चाहते हैं, उनके अंदर ग्रुपिंग हो चुकी है। और फिर उसके बाद आप कह रहे हैं तो कश्मीर के हवाले से अगर देखा जाए तो इस वक्त कश्मीर में सबसे बड़े प्रोजेक्ट जो है वो यूएई के चल रहे हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात के। तो सारे इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन है। तीसरा उसमें एलिमेंट ये है, आपकी पुअर लॉबी है, आपकी करप्शन की स्टोरियां हैं, आप रिलायबल नहीं है। पहले मैं जो बात कर रहा था, इस वक्त जो आर्मी चीफ के हवाले से जो बातें हो रही हैं, या आपके यूएई की जितनी स्टेट्स और ममालिक हैं वो आपकी सिविलियन गवर्नमेंट्स पे वो इतबार ही नहीं करते, वो बात करते हैं सिर्फ आर्मी चीफ से बात करते हैं। आप मुझे इस बात का जवाब दें कि जब भी हमारा आर्मी चीफ चेंज होता है उसका पहला दौरा सऊदी अरेबिया का होता है, हमारा यहां से आर्मी चीफ रिटायर होता है वो जाके जॉब कर लेता है वहां जाके। आप ये कतर के अंदर देखें, कतर के फीफा की जो डिफेंस सिक्योरिटी थी सारी वो आपकी आर्मी थी, नेवी की, आपकी नेवी की भी वहां ड्यूटी लगी थी, वहां नेवी में उस वक्त शोर को सारे उन जो कतर के वो वाच कर रहे थे। तो उसमें देखा जाए तो आपके सिविलियन जो है, जिस तरह आप कई ममालिक कह चुके हैं, हमें पता ही नहीं कि पाकिस्तान से बात करें तो किससे करें, लेकिन मेरा ख्याल जो आपके मुसलमान ममालिक हैं कि उनका कल्चर उनका भी मिलता जुलता है, वहां पर जमहूरियत नहीं है, वहां पे भी मॉनार्कीज हैं, तो उन्हें पता है किससे बात करनी है, तो वो सिर्फ आर्मी के साथ ही बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। लेकिन अब मैं और जो फाइनल उसमें मैं ये कहूंगा, मेरी आर्गुमेंट है कि इंडिया इज अ राइजिंग पावर, और जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को आगे कुछ चीजों के अंदर मैनिपुलेट कर रहे हैं, बिल्कुल दो, एक तो फार्मास्यूटिकल है, भारत इज मैनिपुलेटिंग द एंटायर वर्ल्ड, मैटर ऑफ फैक्ट तू पूरी दुनिया की फार्मेसी बन चुका है भारत इस वक्त। और जो दूसरी बात है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है, जिस तरह वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे उनकी ग्रिप है, तो जब ये दोनों चीजों पे इस वक्त दुनिया में देखें, ये बड़ी बहुत बड़ी कमोडिटीज हैं, ये फार्मास्यूटिकल और उस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है। और जब अल्टीमेटली उन्होंने फिर वो आपका वो कितना साथ दे के कितना वो किस तरह देखेंगे आपकी तरह, और इस वक्त जो उनकी मसल फ्लेक्सिंग है उनकी, कि अमरीका उनके कदमों में है, यूरोपियन यूनियन उनके पीछे फिर रही है। मेरा मकसद है, जो वो जब अमेरिका की जरूरत बन चुका है भारत जो है, तो आप मिडल ईस्ट और दूसरे इस्लामिक स्टेट्स की तो आप पोजीशन देख लें क्या। और दूसरा जो उनके लेबर फोर्स है पॉपुलेशन के लिहाज से, और दूसरा उनके जो एजुकेशन के लिहाज से उनकी जो सुप्रीमेसी बनती जा रही है वो तो, और तीसरा जो मैं एक पॉइंट ये दूंगा, भारतीय डायस्पोरा का प्रेशर देखें आप, हर कंट्री के अंदर इस वक्त भारतीय डायस्पोरा है और दे आर सपोर्टिंग देयर मदरलैंड। जो सबसे ज्यादा मैं पिछली दफा भी बात की तो कई लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया है, आप इस एंगल से देखें, बार बार इस चीज का कहा जाता है जी कि वो मोदी इज रेसिस्ट, आरएसएस, हिंदुत्वा का आईडी, यार हिंदुस्तान इज फॉर हिंदूज, इट इज देयर कंट्री, तो बिल्कुल। और उन्होंने अगर उनको पैट्रियटिज्म, उन्होंने नेशनलिज्म दिया है, यू हैव टू गिव हिम क्रेडिट फॉर दैट, आपको कॉपी करना चाहिए। मैंने अगले दिन मैंने पिछले सेगमेंट में कहा था कि हमें मोदी जी साहब जैसा हमें लीडर चाहिए पाकिस्तान के अंदर, कई लोगों ने कहा जी तुम इंडिया शिफ्ट हो जाओ, तुम यार इतना भी सबर तुम में नहीं है। मैंने इस कॉन्टेस्ट में कहा था कि भाई भारत के लिए वो एक समबडी इज वेरी नेशनलिस्ट फॉर हिज कंट्री, उसमें क्या गलती है भाई, हमें मोदी साहब जैसा लीडर चाहिए जो पाकिस्तान के लिए मुखलस हो, जिसके अंदर पाकिस्तान के लिए नेशनलिज्म हो, मेरा यह मकसद था बात करने के लिए।
लेकिन करप्ट कई ना हो, चोर ना हो उनके पास, वो अपने तोशाखाना का पैसा बच्चों के एजुकेशन पे लगाता हो, तकलीफ तो बड़ी होती है हमारे। उसने मोदी ने अपने पैसे जो हैं वो बच्चों के गर्ल्स एजुकेशन पे कार्ड साहब लगाए थे, ये इन्हें पता लगता है कड़ियां वे छड़ देने दे, जादू टूने कर देने फिर गल्ला ने कर देने। भारतीय डायस्पोरा की भारत के साथ लॉयल्टी की सबसे बड़ी रीजन ये है कि उन्हें पता है कि द भारत इज ऑन द राइट ट्रैक। सबसे बड़ी सबसे बड़ा नारा क्या लगाते हैं अगले दिन भी कि मोदी है तो पॉसिबल है, मोदी है, मोदी है तो, मोदी है तो पॉसिबल है तो मुमकिन है, मुमकिन है, मुमकिन है। ये सारा नारा लगा हर डायस्पोरा के मुंह पे चढ़ता है। अब डायस्पोरा तो डायस्पोरा अपनी जेब से पैसे लगा के रहता है मोदी साहब के जलसों में, करके दिखा लेंगे। अब मैं बता रहा हूं कि दुनिया के अंदर जो नेशनलिस्ट मूवमेंट चली है सारी, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल मोदी साहब की चल रही है। अगर वो उसकी, मैं ये कहूं कि उसकी कॉपी कर लो तो तकलीफ से पागल हो जाते हैं। मैं हमेशा मैं एक और बात चीमा साहब, लास्ट लास्ट पॉइंट मैं ये कहना चाहूंगा इस मामले में, कई दफा आप नफरत में, गुस्से में और अपने इस डिप्रेशन में आप इतना आगे चले जाते हैं को आपको हर्ट कर रहा होता है। दिस इज व्हाट इज हर्टिंग नाउ इन पाकिस्तान। आप मजहबी एक्सट्रीमिज्म में और नफरतों में इतने आगे जा चुके हैं। अगर हमारे जैसा बंदा ये बात करे कि भारत से ट्रेड करो आपके सर्वाइवल का इशू है, गलत मतलब में ले जाएंगे। मुझे ये बताएं सब्जियां दालें ले आए वहां से अपना इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, चीनी ले आए, चीनी ले आए। तीन मुल्क, चार मुल्कों के साथ आपका सर्वाइवल के लिए, आपकी तरक्की के लिए मैंडेटोरी है, भारत से ट्रेड, ईरान के साथ ट्रेड, अफगानिस्तान और चाइना के साथ। ये ट्रेड आपकी तरक्की के लिए कहते ना कि लाजमो मलजूम है। अगर आप नेशनल इंटरेस्ट ना सोचें तो फिर आपकी मर्जी है। आपको वो कहते 76 साल से आप लंदन में ही प्रॉपर्टियां कर रहे हैं, इधर उधर दुबई में ही करना है तो करो फिर। ये मैं कौन सा गलत कह रहा हूँ? हम तो हमारे जैसे लोग तो देखे ना, मेरे हमारे मैं यहाँ अमेरिका में क्यों हूँ? सबसे बड़ी वजह ये है मुझे रिजेक्ट किया गया 2 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज के साथ। मैं आज भी जाऊँ चपड़ासी को ना रखे वहां। लेकिन ये कि अगर ठीक है, अगर आप जैसे इस तरह के हैं, मैं जिस तरह चीखते हैं हम लोग के, आपकी आप हर चीज से बच जाएंगे। कोविड भी आपका कुछ नहीं कर सकेगा या कर सका है, लेकिन जो करप्शन है आपको मार रही है, आपके डीएनए में जा चुकी है। इसका जब तक हल नहीं निकालेंगे, कोई भी नहीं निकालेगा, तो नहीं आ सकेगा। जब तक अकाउंटेबिलिटी करेंगे नहीं करेंगे, कंपेरिजन भारत के साथ करना है तो मैं हमेशा ये कहता हूं अपने एस्टेब्लिशमेंट देखो, जो रिटायर होती है कहां बैठती, कहां जाती। और दर साहब एक बात, अगले दिन जब हमने इस पर डिस्कशन की तो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, कई लोगों के कमेंट्स आए यार आप लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं मोदी साहब की। मेरा जो उसमें क्वेश्चन था, बातें होती हैं और आप भी उसी तरह कर रहे हैं कि अगर आप चीज़ों को कैटेगराइज कर लें, फॉर एग्जाम्पल जब मसला कश्मीर पे आता है तो जो पाकिस्तान का एक फंडामेंटल पोजीशन है या दुनिया की, तो हम उस पर खड़े हुए हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या उससे आगे भी जाना है कि नहीं जाना है? हम उसकी वजह से सिक्योरिटी स्टेट बने, क्या हमें ये सलूशन निकालना है कि निकालना कि हमें, या एक ही जगह तक खिलोते रहिए तो ठीक रहेंगे। और दूसरा बात यह है कि अगर इंडिया, अगर डेमोक्रेसी बेंच मार्क है तारट साहब ये डिटरमिन करने के लिए कि लोगों ने किस तरह रहना है, और पाकिस्तान में आपने ये फैसला किया कि ये इस्लामिक स्टेट है, तो इंडिया में अगर लोग ये फैसला करते हैं दे वांट टू मेक अ हिंदू स्टेट, तो लेट इट बी, बिकॉज ये उनके लिए है ना, ये हमारा। सो आप उनको तो नहीं कह सकते, अगर वो सेकुलर होना चाहते हैं, वो हिंदू स्टेट बनना चाहते हैं, इंडिया इस्लामिक स्टेट बनना चाहता है, वो क्रिश्चियन स्टेट बनना चाहता है, इफ डेमोक्रेसी इज अ बेंचमार्क, तो अगर मोदी को लोग पसंद कर रहे हैं 10 साल और अगले 5 साल वो फिर उनको वोट डालना चाहते हैं तो उनको डालने दें। इसमें हमारा हमारे सोचने ना सोचने से क्या दिस इज फॉर देम। चीमा साहब एक मैं मिसाल उसकी देना चाहूंगा, खास उन दोस्तों को मैं एड्रेस करना चाहूंगा, खासकर वो जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं जिनके दिमाग बंद है, मैं उनको एड्रेस ये करना चाहूंगा। मैं सबसे बड़ी अमेरिका से एक चीज सीखी, अमेरिका जंग कर रहा होता है साथ उसी मुल्क के साथ डायलॉग कर रहा होता है। अब उसकी वजह क्या है? जब वो डायलॉग के लिए बैठते हैं तो वो दे ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर माइंडसेट। अब मैं इसकी मिसाल देना चाहता हूं, टोनी बिल्कन चाइना गया, चाइना के साथ इस वक्त 10 साल चल रहे हैं। टोनी बिल्कन साहब गए वहां पे, उनका दौरा पहला जो था बलून, जब बलून थे यहाँ पे आए थे अमेरिका के ऊपर बलून की वजह से वो कैंसिल किया गया, लेकिन उसके बाद गए। अभी टोनी बिल्कन वहीं साथ ही गया, साथ ही वो येलन गई हमारी जो क्या नाम है उसका सेक्रेटरी कांग्रेस हो गई, साथ ही जो हमारे बाइडन साहब ने कह दिया कि शी इज डिक्टेटर। अब मैंने जब सारी चीजों को एनालाइज किया है तो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका। Even then, when they are in a state of war with the other country, उनके साथ डायलॉग जारी रखते हैं टू रीड देयर माइंडसेट,
to have a better understanding of what they will be doing in the future. लेकिन हम इस तरह की पॉलिसीज नहीं रखते. हमारे खैर पॉलिसी है ही कोई नहीं है. पॉलिसी क्या रखते हमारे तो हम नफरतों में दरवाजे ही बंद कर देते हैं. हालांकि ये देखें कि भारत तो चाइना जंग कर चुका है, सख्त नफरत भी है, बल्कि राफेल तैयारे उन्होंने खरीदे हैं, सिर्फ चाइना के लिए खरीदे, पाकिस्तान के लिए नहीं खरीदे उन्होंने, तो चाइना के लिए खरीदे, लेकिन ट्रेड उनके साथ जारी है उनका. आपका ट्रेड बंद है, आपकी सोचें भी बंद है, आपके दिमाग भी बंद है. लेकिन ये कि जिस तरह आपने पहले अर्ज की, इसराइल के साथ फलस्तीन का टेरिटोरियल प्रॉब्लम है, इट्स नॉट अ रिलीजियस, आपने उसको रिलीजियस प्रॉब्लम बना दिया है. हालांकि रिलीजियस प्रॉब्लम नहीं है. कुरान के अंदर देखा जाए, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो शुरू ही वहां से होता है, जूदाइज्म से, क्रिश्चियनिटी से, फिर इस्लाम पे आता है. फादर इज द सेम. आप जब इब्राहिमिक रिलीजन पढ़ते हैं तो उसमें लड़ी सारी इस तरह चलती है, कुरान का हिस्सा है सारा ये. लेकिन आपके दिमाग बंद कर दिए जाते हैं क्योंकि कारोबार है, आपने मजहब को भी कारोबार बना दिया. यही ट्रेजेडीज ऑफ दिस इज द ट्रेजेडी. एक तो आपकी सऊदी अरेबिया से फासला बहुत ज्यादा है आपका, क्योंकि और दूसरा आप अरबिक भी नहीं जानते, जबान भी थर्ड वर्ल्ड है आपकी, आपकी जबान ही नहीं है अरबिक, ना उस मिजाज को समझ पाते. और बाय द वे एंड द मोस्ट ऑफ द अरब वर्ल्ड, जो मुस्लिम वर्ल्ड जहां से हमने बात शुरू की थी, आपके लिए स्पेशल अलकाबात उन्होंने रखे हैं. आपको रफीक कहते हैं, मस्कीन कहते हैं, गरीब कहते हैं, आपको वो पूरा मुसलमान भी नहीं समझते. तो आप वैसे ही, आपको एक सबसे ज्यादा शौक है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है. सऊदी अरेबिया इतना मजहबी नहीं है जितना आप बनने की कोशिश कर रहे हैं. तो ये ट्रेजिडी है. सारी दुनिया ने जिहाद खत्म कर दिया है, आप आज भी कहते हैं सियासत नहीं जिहाद, गुर्बत के खिलाफ और जहालत के खिलाफ जिहाद नहीं करना, अपनी मर्जी की चीज पे जिहाद फिट कर लेना, यही ट्रेजिडी पाकिस्तान. बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब. और ये जो ट्रेजेडी है कि हम, जिसे आपने भी कहा, हमें दोस्त कहते हैं कि जी आप वो देखें वहाँ पे इंडिया में ये हो रहा है वो हो रहा है, जब उन टॉपिक्स की बात आएगी, इसको हम बोलते हैं कंपार्टमेंटलाइजेशन. आप तार साहब, आपने अमेरिका की बात की, आप ईरान से भी ये चीज़ सीखने वाली है. ईरान बेशक अमेरिका के साथ कर रहा है, लेकिन अंदर खाते वो डायलॉग भी कर रहे हैं, डिस्कशन भी कर रहे हैं. आपको नजर जी पाकिस्तान वाहत तारड़ साहब एक मुल्क है जिसने हर चीज ही बंद कर दिया. इमरान खान कहता है मैं इलेक्शन हार जाऊंगा, मैं इंडिया से कॉटन और शुगर इंपोर्ट नहीं करूंगा, जिससे पाकिस्तानी अवाम को फायदा होगा. उसको तो ना कोई फायदा होगा ना नुकसान होगा. नुकसान तो मेरा होगा, मुझे महंगी चीनी मिलेगी, मेरे मुलाजम को महंगी चीनी मिलेगी, मेरे गाँव के लोगों को महंगी चीनी मिलेगी. हम लोग कहाँ से इतना महंगा चीजें खरीदेंगे. हमें इंडियंस कहते हैं भाई यहाँ से चीनी ले लो, ये 40-30 किलोमीटर पे भाई लाहौर है, हम आपको हर चीज यहाँ पे कॉस्ट. सारा सब आप खुद बिजनेस करते हैं, कॉस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. तो ये हमें बस इस चीज से लाता है कि जी तुसी मुसलमान होते हैं जितने ओन जितने, और जो है बस इसी चीजों में हमें रखेंगे कि वो उधर वैसे हो रहा है. भाई उधर जो भी हो रहा है, हमें उन चीजों से क्या जरूरत है. हमें देखना है कि हम इंडियन मार्केट का कैसे फायदा उठा सकते हैं. हमारे वो हमारे तार साहब जो साबक हैं जर्नैल होते थे, वो कहते थे लो अब सेंट्रल एशिया से गैस आएगी, रशिया से गैस आएगी, वो इंडिया जाएगी, उनके चूल्हे जलेंगे, हम क्यों उनके चूल्हे जलने दें. अज उन्होंने चूल्हे उनजी पे चलते ने, साढ़े बंद पे ने. मतलब दीज आर द थिंग्स टू लुक एट ना, रादर के आप सारा टाइम ये अपने दिमाग बंद आपने जैसे किया हुआ कि वो पढ़े लिखे लोग जिनके दिमाग बंद हैं और जो सोचने को भी तैयार नहीं है. आज देखे ना ताड़ साहब, मोदी साहब फ्रांस जा रहे हैं,